चलिए, बस मुझे ये था कि चलो ये लोगों को भी देख लेते हैं। अगर हम जो रोज की बातचीत करते हैं चाय पीते हुए, अगर उसको हम रिकॉर्ड कर लें, हालांकि थोड़ा सा और तो लगेगा कि भाई किस तरह से हम जो पास बैठ के बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बात करने में थोड़ी सी और तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस बहाने अगर कुछ बातचीत हो जाए तो उसको कर लेना चाहिए। तो ये सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, तो कंटिन्यू करना, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो कल एक बात कर रहे थे कश्मीरी शिविज्म और वैदिक चेतना की, वो फिर बात बीच में लगे, वो आगे नहीं बढ़ी थी कल। और आपने कल बताया भी था कि भगवान ने तो वैदिक मार्ग छोड़ने के लिए भी, उसके त्याग की भी बात की है, तो उस बारे में थोड़ा सा, एक तो कि वैदिक संस्कृति या वैदिक चेतना और कश्मीरी शैव चेतना जैसे हम कहते हैं, उसका क्या संबंध आपको, तो या उसको कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि तो ये एक समस्या तो है आज की, कि कश्मीरी शैव दर्शन को भक्ति भक्ति करते हुए सिर्फ उधर ही ले जा रहे हैं और वेद की वो बिल्कुल बात नहीं कर पाते, जबकि जितने लिखने वाले हैं, लेखक हैं, या उसके ऊपर टिप्पणी नकाशे करने वाले हैं, वो सारे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या संबंध आपस में है? क्या सिर्फ शब्द को लेकर के हम इनके संबंध को देखें, या ज्ञान के प्रति जो उत्सुकता है उसको लेकर के देखें? और एक पक्ष भी हो सकता है कि वैदिक चेतना जो प्रश्नों से चलती है, जिज्ञासाओं से चलती है, वो यहाँ पर किस रूप में दिखाई देती है? क्योंकि किसी शैव ग्रंथ में सामान्य रूप से प्रश्न तो करते ही दिखाई देते हैं, केवल स्थापनाएं ही दिखाई देती है। मैं चाहता था कि अगर आप इसके बारे में बात करें। तो साधारण सी वो थी कि उसमें जो वैदिक उसमें परंपरा की बात उसने अभिनव अच्छा, इसको गुप्त पास कर लें, थोड़ी ने हो जाएगी, और आप किया इसको है। आगे। हेलो, हाँ जी, ठीक है, अब ठीक ठीक है। वो वैदिक चेतना की बात ये थी कि वैसे तो ये संस्कृत के ही सारे पक्ष हैं। संस्कृत वैदिक संस्कृत है या लौकिक संस्कृत है, तो है तो आपस में संबंध तो है ही है, पर उसमें ये था कि वैदिक परंपरा जो है एक वो एक कर्मकांड पर व्यवस्था जो है रूटीन बन गई हुई है जीवन का लोगों का। और उसमें उसने कहा कि वैदिक परंपरा में इतना इसे कहना चाहिए कि एक उसमें पर्सनल जैसा कोई रिलेशनशिप देवता से नहीं बनता है, उसमें वो एक कर्मकांड की परंपरा बड़ी लंबे लंबा इतिहास चला जाता है, बहुत इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये समस्या आती है कि वैदिक मार्ग के अनुशीलन से, उस परंपरा की साधना के अनुशीलन से वो मैं थोड़ा सा जटिलता आ जाती है, उसमें बहुत समय बहुत लग जाता है, उसको हस्तगत करने में बड़ा टाइम लगता है। इसलिए ये एक सरल मार्ग है, छोटा मार्ग है।
सरल मार्ग ऋतु मार्ग होने से उसने कहा कि ऋषि परंपरा का जो बताया हुआ मार्ग है वो बहुत लंबा मार्ग है और उसमें साधना में भी बहुत समय लग जाता है, इसलिए उसको उसकी बजाय ये बेहतर है कि सीधे शिव की शरण में आ जाओ और शिव की शरण में आकर के ये जो कश्मीर शैव मार्ग है इसकी ऋषिता को सरलता को देखते हुए ये एकदम मनुष्य को एक सहजता के स्तर पर ले आएगा। इस तरह का विचार उसमें 37वें आनिक में ये तंत्रालोक का जो 37वां आनिक है उसके अंदर उसका जिक्र किया है उसने अपने गुप्त में, लेकिन वो उसमें कोई ये नहीं है कि कोई उसमें निंदा की दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि निंदा वाली बात इसलिए नहीं बनती कि जो अभिनव गुप्त का भी जो पीछे का सारा इथॉस है वो इथॉस तो सारे का सारा चाहे वो व्याकरण के मार्ग से आए तो व्याकरण भी वेद का ही अंग है, चाहे उसमें कल्प सूत्र हो, निरुक्त हो, छंदस हो, वो परंपरा तो सारी वैदिक ही है वो, लेकिन वो जो रूटीन विषय हमें एक रिचुअल मार्ग बन गया हमारा कि भाई हम पहले ये सीखें फिर ये सीखें फिर उपनिषदों से और फिर दर्शनों से आते आते वो एक बड़ी लंबी यात्रा, तो रिलेटिवली उसमें ऋजु मार्ग पर आने के लिए उसने एक सुझाव जैसे देते हैं, तो सुझाव के रूप में उसने वहां पर ये 37वें आने में अभिनव गुप्त ने ये कहा कि ये सीधे शिव भक्ति में सीधे ही आया जा सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कर्मकांडी जटिलताओं की अपेक्षा नहीं है। कर्मकांड से ही संस्कृति परिभाषित होती है और फिर कश्मीर शैव दर्शन के साथ उसका तालमेल कैसे करते हैं? अगर हम नहीं नहीं कर्मकांड से परिभाषित होती है, नहीं नहीं वैदिक परंपरा को कर्मकांड से ही परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो कर्म और ज्ञान का वहां पर भक्ति का कर्म का स्वरूप तो उसमें वैदिक परंपरा में भी उपलब्ध होता है, लेकिन मार्ग लंबा निश्चित रूप से है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखो तो बहुत शताब्दियों पूर्व सहस्राब्दियों पूर्व बल्कि आपको उसमें जाना पड़ता है ज्ञान को वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो उस भाषा भी थोड़ी सी अलग है और बोध का वैदिक मंत्रों का एक स्पष्टार्थ करने में लोगों को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, कभी उसके लिए एक भाषी को देखो, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, फिर वो कंपैरेटिवली निश्चितार्थ वैदिक मंत्रों का क्या था, वैदिक मंत्रों के अर्थों को ही स्पष्ट करने के लिए समझने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वैदिक परंपरा जो है वो केवल कर्मकांड ही है, उसमें जो उपनिषदिक परंपरा है उसकी वो विशुद्ध ज्ञान परक भी है, उपासना परक भी है और भक्ति के एलिमेंट्स भी उसमें ढूंढे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि रास्ता जरूर लंबा है। रास्ता लंबा इसलिए है कि इतिहास की दृष्टि से आदमी देखेगा तो फिर उसमें से क्रमशः वैदिक से वैदिक अनुष्ठानों के अंदर इतना स्मृति आ गई, वैदिक अनुष्ठान जो थे उनका हमारे वर्तमान जीवन से उसकी दूरी बहुत बढ़ गई, तो उस कारण से है और उसमें, लेकिन जो लोग उस परंपरा को जो जानते हैं
जो उसमें जिनका प्रयास है वो उनको उससे दिक्कत वाली बात जो नहीं लोग परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, मन में देवता ऋषि संकल्प विनियोग ये चार पांच चीजें महत्वपूर्ण, फिर उसकी प्राप्ति है। अब कश्मीर शैव दर्शन में तो नहीं है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रों में जो है वो प्रकाश उपासना है और इस तरह के अन्य कुछ विषय हैं, कुछ भौतिक विषय भी हैं, आध्यात्मिक विषय भी हैं। तो कश्मीर शैव दर्शन के साथ इसके तालमेल कैसे बिठाएंगे? अगर मैं मतलब यही कि भी वैदिक संस्कृति या वैदिक दर्शन के आपसी संबंधों को हम कैसे परिभाषित करें कि भी ये उनका संबंध है। वैदिक संबंधों को तो ऋषि केवल मानने से तो परंपरा नहीं में होगा, भी नहीं, केवल मानने से तो नहीं होगा कि अभी अपने अपने कोटेशंस में दे दिया, अपने समर्थन करने के लिए किसी मंत्र को कोट कर दिया, तो वो तो केवल एक मानने वाली बात होगी। लेकिन स्पष्ट रूप से जो संबंध हमें दिखाई देने चाहिए जुड़ी हुई होती है, केवल कोट कर देने से कड़ियां नहीं होती, कि हमने वहां से समर्थन ले लिया। नई नई कड़ियां जोड़ने वाली बात नहीं है उसमें। हाँ जैसे वैदिक परंपरा के अंदर एक कंटिन्यूटी है, लोगों ने उसके अंदर जितना काम किया है और एक निरंतर है उसके अंदर, निरंतरता चली आई है। ऐसा नहीं है कि वैदिक परंपरा कभी बिल्कुल उसमें से खंडित हो गई है। साधना की दृष्टि से केवल अभिनव का कहना है, साधना की दृष्टि से ये है कि उसमें स्वल्पम तथार्यु विघ्न, उम्र आदमी की थोड़ी है, विघ्न बहुत हैं और यात्रा इतनी लंबी है कि वो लंबी यात्रा इतिहास के इतने स्टेप पार करने पड़ेंगे आपको पौराणिक सेंसिबिलिटी से होते हुए और उसमें वैदिक बोध में से जाते हुए, वैदिक वेदांग 6 वेदांगों में मास्टरी करते करते, फिर उसमें से ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर, फिर उसके कर्मकांड और उपास्थि प्रक्रिया। तो वो एक ऐतिहासिक दृष्टि से इतना सुदीर्घ काल हो जाता है। उसमें ये कश्मीर शैविज्म का बहुत सारे अंश, कोई ऐसा नहीं है कि वो वेद विरोधी हैं, जब भेदभाव है और वो नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा, लोगों नहीं, वेद विरोधी वाली बातें नहीं है। कि अभी हमने प्रयोग किया वैदिक बोध, शायद ये सबसे पहले प्रयोग किया, ये वैदिक बोध और कश्मीर शैव दर्शन में बोध है व्यक्ति के स्तर पर है। अच्छा, वैदिक बोध का पक्ष जो है वो सामाजिक पक्ष बहुत बड़ा है, कश्मीर शैव दर्शन सामाजिक पक्ष का बोध मुझे नहीं लगता कि हमें दिखाई देता, क्योंकि वो व्यक्ति ज्यादा है, अपने अनुभवों पर है। लेकिन एक की बात करते हैं तो उसमें समाज पार्टिसिपेशन है, और केवल समाज की नहीं है, उसमें करते हैं कि आप पृथ्वी की चेतना के बगैर आप चल नहीं सकते, चेतना के बगैर नहीं चल सकते। तो इसलिए वो संबंध करने मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है। कहने नहीं, को परंपरा की बात है कि वेद दर्शन अलग नहीं है, एक दूसरे के अनुभव है या समर्थन, लेकिन उसको स्पष्ट प्रतिपादित करने में थोड़े से प्रतिपादन में ये जो है ना कि बहुत से जो ये कश्मीरी शैव पंडित जो हैं वो वैदिक परंपरा के साथ, वैदिक परंपरा से बिल्कुल इसको अलग करने का भी प्रयास कुछ लोग करते हैं। इसलिए इसको आगमिक बनाने का मतलब ये था कि
ये आगमिक मैसेज आए कि शिव ने ही सीधा उपदेश किया है। वहां पर ये है कि आर्ष परंपरा के अंदर ये है कि ऋषियों ने बात कही, फिर उसके परवर्ती ऋषियों ने कही, फिर उसके बाद परवर्ती ऋषियों ने कही, और ये सीधा जैसे पर्सनल गॉड वाली बात है ना, थोड़ा इसमें पर्सनल गॉड वाला एलिमेंट जो है इसमें आ जाता है कि इमीडिएटली आपने उसमें शिव को सीधे पकड़ लिया। बाकी जो अन्य देवता हैं, उन अन्य देव वैदिक जो, क्योंकि वैदिक बहुदेववाद है, वेद में बहुदेववाद भी है, एक देववाद भी है, तो उसकी प्रक्रियाओं की जटिलता से उसने कहा कि संभवतः यह अभिप्राय रहा उसका कि अन्यथा वो श्रुति और स्मृति से बाहर जाने का, उस तरह से कोई विरोध करने वाली बात तो थी नहीं उसमें, क्योंकि बार बार वो उपनिषदों के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त, अन्यत्र बहुत जगह श्रद्धा व्यक्त की है, अभिनव गुप्त ने जगह जगह पर उपनिषदों के रेफरेंसेस दिए हैं, भगवत गीता के रेफरेंसेस बड़े दिए हैं, भगवत गीता का तो गीतार्थ संग्रह, वो गीतार्थ संग्रह जो है, अब ये ऐसी स्थिति है कि जैसे गीता के अंदर ही कहीं पर संकेत कर दिया श्री कृष्ण ने कि त्रैगुण्य विषय वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुन, कि वेद जो है वो भी त्रिगुण को लेकर के चल रहे हैं, तो तुम निस्त्रिगुण हो जाओ। अब इसको लेकर के कोई कहे कि सारी गीता जो है वो वेद का विरोध करती है, ऐसा नहीं है उसके, क्योंकि दशम अध्याय के अंदर गीता में वो कृष्ण क्या रहता है, वेदानाम सामवेदो, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो अब इसका माने ये नहीं है कि वो त्रिगुण्य विषय वेदा, उसका संदर्भ सिर्फ यही है, ये इस समय इमीडिएटली जो छोटा सा जीवन है, छोटा सा आदमी के पास लाइफ स्पैन है, और इस लाइफ स्पैन के अंदर विघ्न बहुत है, आदमी के पास फुर्सत कहाँ है, आदमी अपनी इच्छाओं का उसमें पूरी करते करते मर जाता है। तो उसमें एक सरल मार्ग ये है कि समावेश, एक भक्ति का अगर समावेश एक देवता को लेकर के इमीडिएटली किसी विशेष व्यक्ति को, जैसे हम कहते हैं कि नहीं मैं, मेरे को गुरु प्राप्त हो गया, गुरु प्राप्त हो जाने से मेरा मार्ग सरल हो गया, क्योंकि उसमें दीक्षा प्राप्त कर लेने से मुझे बाकी सब इधर उधर के मैंने सोचना विचारना बंद कर दिया। तो उस तरह का ये एक उपासना मार्ग, और शैव शास्त्र के अंदर कुछ आगमिक परंपराओं को भी जोड़ लिया, और लेकिन आगमिक परंपराएं भी कोई ऐसा वेदवाह तो उस तरह से नहीं मानी लोगों ने कि तंत्र और आगम जो है कोई वेदवाह है, वो सारे लोग नहीं मानते ऐसा। नहीं, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, लेकिन वो संबंध हमें कई बार स्पष्ट नहीं, वो केवल कही हुई बातों के आधार पर हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्योंकि विद्वानों के द्वारा ये एम्फेटिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया है कि नहीं नहीं बोध और कश्मीर शैव दर्शन से निकले हैं और उसी तरह से उनका व्यवहार कि केवल कोटेशन या मंत्रों को करने से नहीं रही बात गीता की, गीता तो बहुत करके चल रही है कि उसका एक सार हमारे सामने ला रही है। तो उसमें इसमें भी कोई ऐसा मतलब वैदिक मार्ग का कोई खंडन तो नहीं कि उसमें किया कहीं पर भी इन्होंने, क्योंकि ये सारे ही ये जो विद्वान थे, अब चाहे काश्मीर शैव शास्त्र अगर रस की व्याख्या करता है तो रस की व्याख्या के लिए वो
उपनिषदों का रेफरेंस देता है रस की व्याख्या के लिए। तैतरीय उपनिषद का जो रसो वैसा रसम हे वायम लब्ध आनंद उसमें, क्योंकि ये कोई भेदवाच्य दृष्टि नहीं है, ये सिर्फ ये है कि भेद का वो जो समस्या है वो ये है कि वैदिक बोध को प्राप्त करने में जैसे एक शायद ब्राह्मण ग्रंथों में उपाख्यान आता है कि ऋषि भारद्वाज थे, भारद्वाज ऋषि ने 100 वर्ष तप किया और वेद पढ़ा और फिर इंद्र प्रकट हुआ तो इंद्र ने प्रकट होकर के पूछा कि भारद्वाज तुमने बहुत अच्छा वैदिक बोध के प्रति सारा जीवन लगा दिया, वर मांगो। उसने कहा वर यही है कि 100 साल की आयु और तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वो फिर 100 वर्ष मिल गए, 100 वर्ष के बाद फिर आया तो वो 300 वर्ष इस तरह से लेने के बाद फिर जब इंद्र आया प्रकट हुआ तो भरद्वाज ने कहा कि अब मैं तृप्त हूँ, अब मुझे कोई अपेक्षा नहीं है किसी प्रकार की भी, अब आप मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, आत्मस्थ में पूर्णो हम। तो लेकिन ये है कि 300-400 वर्ष का स्पैन जो है आदमी के पास है नहीं, तो इसके लिए वो कहते हैं कि एक सरल मार्ग जो है वो रहना चाहिए। लेकिन वैसे अब ये जो तंत्र लोग है इसके 37 आने के जो लिखे है इसके अंदर विभिन्न विभिन्न उपासना पद्धतियां जो है उनका जब डिस्क्राइब किया है तो उसके अंदर ये शैव उपासना क्रम में ये अण्वोपाय, शाक्तोपाय, शाम्भोपाय, फिर अनुपाय की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी साधनाओं की बड़ी जटिलता है। ऐसा नहीं है कि वो सारी कोई सरल साधनाएं हैं कि प्राणों को नियंत्रित करना सीखना और करना सारे का सारा तो बात ठीक है। वो फिर उसमें होम भी करना है, हवन भी करना है, होम की प्रक्रिया भी उसमें वर्णित है और ये सारे का सारा। तो ऐसा नहीं कि वैदिक मार्ग से कोई शैव मार्ग का कोई विरोध है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक मार्ग है कि उसमें से व्याकरण आपको जानना ही है। व्याकरण वो कहता है कि 12वीं वर्षीय व्याकरण शुभित है, तो आप 12वीं वर्षीय 12 साल तो व्याकरण पढ़ने में लग जाते हैं। तो व्याकरण अगर 12 साल में व्याकरण लग जाते हैं तो कश्मीर शैव शास्त्र बिना व्याकरण पढ़े संस्कृत में संस्कृत के ग्रंथों का कैसे करेगा बालक। तो संस्कृत जो है वो भेद वाइज तो होकर चल नहीं पा रही कहीं भी। संस्कृत जो आगम भी चल रहे हैं, आगमों की भी जो संस्कृत है वो उसमें संस्कृत वाग जो वाग्मीमांसा है वो वैदिक वाग्मीमांसा को यहाँ पर उन्होंने क्रम थोड़ा सा बदल दिया तो मालिनी के रूप में उसको ग्रहण किया कि ये 2 प्रकार की मालिनी है, पूर्व मालिनी है, उत्तर मालिनी है। तो वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन साधना की दृष्टि से, मनुष्य जाति के सरलता की दृष्टि से ज्यादा किया है और उसको स्पष्ट करने का, क्योंकि बहुत लंबे इतिहास में आम आदमी का प्रवेश होने के बजाय उलझ जाता है आदमी। तो ये एक थोड़ा सा उसके अंदर जो मेहमना स्तोत्र में कहा है ना उसने, हाँ जी हाँ जी, ये जो मार्ग है ये रिजु मार्ग, गंगा का जो मार्ग है, गंगा का मार्ग है ये बड़ा लंबा है, लेकिन जो छोटी छोटी नदियां वो बेचारी क्या करें, वो कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा कि वो रुचि नाम वैचित्र्या रिजु कुटिल नाना पथ युक्ति। तो रिजु मार्ग से जाने वाली नदियां हैं, कुछ कुटिल मार्ग से जाने वाली नदियां हैं। तो वो छोटी नदियां जो है वो बड़ी नदी में मिल गई जाके, तो वो रिजु कुटिल नाना पथिर श्याम निणाम एको गम्या। तो वेद मार्ग वैदिक परंपरा भी जिन लोगों को अब उपनिषदिक जो बोध है, उपनिषदिक बोध को इवन बुद्ध भी नहीं अस्वीकार कर सके। वेद को कोई इस तरह से अनात्मवादी जरूर रहा, वो अनात्मवादी होना और बात,
वेदवाजी उसको कश्मीर शैविज्म को मैं समझता हूँ स्वीकार करना जरा मुश्किल है, क्योंकि इसको आगमिक कह करके हम परे नहीं कर सकते, क्योंकि आगमिक भी जो है वो जिसका संस्कृत में आवाज गायब हो गई आपकी। नहीं आ रही। हाँ आगे आगे आ रही है, बीच में कहीं कुछ मिस हो जाता है। वो बीच बीच में है। चलो हाँ तो लेकिन ना मुझे कई बार लगता है कि इस तरह की चीजें जो है ना, इनका बहुत जरूरी है कि कश्मीर शैव दर्शन और वैदिक बौद्ध संबंधों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। जितने सामान्य जन हैं विद्यार्थी हैं, वो केवल क्योंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए उनके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो संस्कृत से संबंधित है तो इसलिए बस सब कुछ। नहीं लेकिन अगर किसी से हम पूछें तो वो किसी के लिए स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो जो हमारी संस्कृति से तो अगर ये बताना हो कि भाई वैदिक बोध और कश्मीर शैव का आदि परंपरा का ये दोनों है या उसी का विकसित रूप है, तो ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साधना करने वाला नहीं वो निगमागम को जब लोग कहते हैं ना, वो निगमागम में सिर्फ यही है कि आगम वास्तव में आप्तोपदेश है। आप्तोपदेश ये है कि आपको एक शास्त्र जो है उसके बीच में गुरु परंपरा से आपको प्राप्त हो गया ज्ञान, और गुरु ने आपका मार्ग सरल कर दिया। गुरु परंपरा प्राप्त होने से आपने बहुत सारे जो सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ने की अपेक्षा उसमें नहीं रही, जो आपका विशेष रास्ता जो है वो थोड़ा सा सरल हो गया। लेकिन अगर दूरगामी दृष्टि से देखें तो ये अद्वैत के जितने भेद हुए, अद्वैत के जितने भेद हैं, चाहे वो शाक्ताद्वैत है, चाहे वो शैवाद्वैत है, शब्द ब्रह्माद्वैत है, और जितनी भी अद्वैत की परंपराएं हैं, उनमें अद्वैतिकता जो है उसके कारण इनकी रिलेशनशिप तो आपस में है ही है। खास तौर पर ये आचार्य शंकर का जो अद्वैत है, और उसमें यदि आप ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को पढ़ें और कश्मीर शैव शास्त्र को, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि या तो शंकराचार्य का कश्मीर शैविज्म के ऊपर प्रभाव पड़ा है, और शंकराचार्य भी कश्मीर शैविज्म से प्रभावित कहीं पर रहे हैं, तो उनका जो एक पारस्परिकता है, अन्योन्य संबंध है, उस अन्योन्य संबंध की उपेक्षा नहीं की जा सकती और संभव भी नहीं है। उस ढंग से उनको एकदम पृथक करके देखना, वो सांप्रदायिक दृष्टि वाले, सांप्रदायिक दृष्टि से अगर वो कोई भेद कर लेता है तो अलग बात है, अपनी हाँ सरकार। एक जो बात भी आपने शंकराचार्य और इस शैव दर्शन, ये भी एक मुझे बड़ी रुचिकर बात लगती है कि वहां पर ब्रह्म और माया का संबंध उस रूप में नहीं है जैसे शिव और उसकी शक्ति का या शक्ति का संबंध है। तो ये जो पूर्णता का भाव है या भावों का भाव है, इस अंतर को ध्यान में रखते हुए पूर्ण ख्याति जो है वो मेरा ख्याल इस दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। हालांकि बात नहीं करते हैं लेकिन इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां ब्रह्म और माया का संबंध वस्तुतः तो है आर्थिक रूप से, लेकिन यहाँ पर विमर्श आर्थिक रूप से भी है, व्यवहारिक रूप में भी है। तो इसलिए क्या कहते हैं आप? नहीं ये उसमें देखो, आचार्य शंकर के भी जो भाष्य ग्रंथ हैं उनके अन्यत्र वहां पर वो
माया को शक्ति के रूप में चर्चा कई जगह पर है, और खासतौर पे नमामि ताम वाचम अचिंत्य शक्तिम संक्षेप शारीरकार जो है ना वो उसमें वाचम अचिंत्य शक्तिम वाक तत्व को शब्द ब्रह्म को वो अचिंत्य शक्ति और शब्द की उपासना का क्रम जो है अद्वैत वेदांत का एक बड़ा मुख्य विषय है, क्योंकि शब्द ब्रह्म से ही वो कहता है पर ब्रह्माति पर ब्रह्म के पास पहुंचता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो, लेकिन वो जीवगत माया का उन्होंने वो एक तरह से वर्गीकरण किया है ढंग से, और प्रयास वो क्योंकि बाद में जो अद्वैत वेदांत के बहुत सारे परवर्ती दर्शन दार्शनिक हुए हैं वो लोग फिर उसमें सूक्ष्मता में आज और अधिक सूक्ष्मता में ले जा करके उन्होंने वर्कआउट अपने ढंग से और तरीके से कर लिया कि माया के माने ये है माया माने जो है ही नहीं है, वो ऐसे ऐसे अर्थ करने शुरू कर दिए। तो वो मियते अनया वो जिससे मापा जाता है तो ऐसा ना करके अब वो मियते अनया जो जिससे वो इंद्रो माया भी पूर्व रूप ये थे वो बहुरूप होता है। तो जिन लोगों ने व्यक्ति के मोक्ष की ही चर्चा करनी शुरू कर दी केवल मात्र और समाज उपेक्षा उसके कारण वो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अदरवाइज आप देखो तो ये उत्पत्ति की शक्ति रशेष वस्तु सारी अद्वैत वेदांत जो है वो पूर्व मीमांसा की जो शैली है अध्ययन अध्यापन की शैली है पूर्व मीमांसा के ही षडलिंगों के आधार पर और दूसरी प्रक्रियाओं को एक्सेप्ट करता है व्याख्यात करता है, लेकिन वो अपने मूल रूप में अंत में उद्देश्य के रूप में जाकर के वो फिर थोड़ा उसे हट जाता है कि वहां धर्म जिज्ञासा थी तो यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा आ गई, लेकिन वो बाकी जो उनका ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा पर आने से पहले धारा एक ही मीमांसा की चल रही है और उसमें श्रुति के प्रति पूर्ण श्रद्धा है पूर्ण आस्था है श्रुति के प्रति। तो इसी तरह से ये है कि यहाँ पर वो थोड़ा सी भिन्नता हो जाती है, उस भिन्नता का मतलब वो विरोध में लोग ले जाते हैं आमतौर पर, वो विरोध मैं समझता हूँ कि उसमें विरोध ना हो करके ये सबके सब दर्शन एक दूसरे के अनुपूरक। अद्वैत वेदांत ने भी ये कोशिश यही की कि बाद में कि न यस्य केन अभिसमं विरोध समन्वितान अन्यमतानि यस्मिन् अद्वैत वेदांत पथम प्रशस्तम ज्ञान प्रधानम विवृणोमि किंचित, ऐसा उसमें संक्षेप शारीरकार ने उसका कहा कि हमारा किसी से विरोध, वेदांत तो एक वैश्विक दर्शन है, अद्वैत वेदांत शैवाद्वैत है या ब्रह्माद्वैत है शिवोहम, और वो सिर्फ एक समस्या आती है कि यहीं पर मान लो कलाओं के अंदर अगर कलाओं की व्याख्या करनी हो इन दर्शनों के माध्यम से तो कलाओं के माध्यम से अद्वैत वेदांत जो है वो वैराग्य प्रधान होने के कारण कलाओं में अनुप्रवेश करने में उसको दिक्कत आती है। तो वेदांत ही उसमें अद्वैत वेदांत ही उसमें काश्मीरी शैविज्म बन करके अद्वैत वो शैवाद्वैत बन करके वो कलाओं की व्याख्या करने में समर्थ हो जाता है, वो उस कमी को त्रुटि को उस ढंग से पूरा कर देता है। तो इनमें परस्पर दर्शनों में अनुति यही है। अभिनव गुप्त ने न्याय शास्त्र का 20 गुरुओं से जो पढ़ा वो क्या पढ़ा है? वो यही था कि किसी से न्याय दर्शन पढ़ा, किसी से व्याकरण दर्शन पढ़ा, पिता से व्याकरण दर्शन पढ़ा, तो वैदिक दर्शन पढ़ा, ये सारे उसमें गति थी उसकी। तो वो कोई आत्यंतिक विरोध वाली बात नहीं है, बाकी वो परंपरा का जो अनेकत्व है अनेकत्व की व्याख्या करने में अनेकत्व को एकत्व के साथ समझने में शैव शास्त्र जो है वो ज्यादा सरलता से उसका प्रतिपादन करता है।
बात तो ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अंतिम प्रश्न आज के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, अभी सारी बात सुनते हुए, कि अगर हम वैदिक संस्कृति या वैदिक बोध का मूल आधार या बेसिक पुरुषार्थ मानते हैं, तो काफी शैव दर्शन हो या बाकी अन्य दर्शन हो, ये सब इससे डेविएट नहीं करते? इन्होंने कुछ का कुछ ही नहीं कर दिया। एक तो जो हमारी जड़ है, जो मूल है, वो पुरुषार्थ है, तो वहां से ये सारे डेविएट होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये, तो अगर नहीं, इस वो दृष्टि से पुरुषार्थ देखूं, इस दृष्टि से अगर मैं आपसे पूछूं कि पुरुषार्थ और कश्मीर शैव दर्शन ये कैसे होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव पे चले गए। उसमें ऐसा नहीं है कि जो कश्मीर शैव शास्त्र है उसमें भी वो जो एक बात करता है कि वो जो त्रिक शास्त्रविद हैं वो कोई ब्रह्म को एक विश्वातीत ही नहीं मानते हैं, विश्वात्मक भी मानते हैं, विश्वरूप जी भी मानते हैं। और उसमें बल्कि एक बड़ी कमाल की बात है कि उसकी विश्वात्मकता के साथ वो उसका जो स्वातंत्र है, स्वातंत्र का जो सिद्धांत है, स्वातंत्र के सिद्धांत में फिर स्वातंत्र के अंदर भी एक और भी उसमें जो शब्द स्पंद शब्द का प्रयोग जब करते हैं तो जी वो एक लाइफ जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य संपूर्ण विश्व की व्याख्या जो है उसको स्पंद के आधार पर, स्वातंत्र के आधार पर करना, कि उससे मनुष्य के कर्म में एक अधिक सौंदर्य आ सकता है। पुरुषार्थ के तो उसके आधार पर खड़े हैं कि जब तक उसमें स्वातंत्र नहीं है, अगर पाणिनि अपनी व्यष्टाध्याय के अंदर कर्ता का लक्षण करते हैं तो वह स्वतंत्र कर्ता, कर्ता जी हाँ जी हाँ जी स्वातंत्र होना चाहिए, तो वो स्वातंत्र की क्रिया जो है, क्रिया स्वातंत्र जो है, वो क्रिया स्वातंत्र जो है वो चारों भोग और मोक्ष वहां दोनों पुरुषार्थों को, चार पुरुषार्थ ना गिना करके दो पुरुषार्थों का तो बार 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 जिक्र आएगा, भोग अपवर्ग, भोग और अपवर्ग दोनों ही भोग जो है वो तीन पुरुषार्थ जो है वो जी भोग के अंतर्निहित हो जाएंगे, धर्म अर्थ काम ये तीनों भोग के अंदर आ जाएंगे। और चौथा पुरुषार्थ जो है वो उसके अंदर उसका जो अपवर्ग के उसके अंदर आ जाएगा, शेष के अंदर आ जाएगा। इसलिए कश्मीर शैविज्म जो है वो भी उसी उस व्याख्या को उस ढंग से समरसता के साथ उसको लाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसमें ये वैदिक जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसका एक प्रकारांतर से, क्योंकि एक प्रत्येक परंपरा को रिन्यू करने की अपेक्षा हमेशा रहती है। ये एक रिन्यूअल का जो प्रोसेस है ये हमारी एक संस्कृति की बड़ी गतिशीलता यही रही है कि हमने उस कंटिन्यूटी को इसलिए इस तरह से नहीं टूटने दिया कि हम उसको रिन्यू करते रहे, और रिन्यू में कुछ चीजें अगर हमें छोड़नी पड़े तो हमने उन चीजों को छोड़ भी दिया, लेकिन मूल के साथ, मूल के मूल से परे जाने का प्रश्न ही नहीं था। मूल से परे जाने का मतलब तो फिर डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। इसलिए शैव परंपरा हो या कोई भी परंपराएं, जितनी भी साधना परंपराएं हैं जो हमें एक पूर्ण मानव बनाती हैं, पूर्ण मनुष्य का मतलब पूर्ण शिवता की ओर जो ले जाती हैं, उन सभी वो परंपराओं का वो उसके साथ कहीं विरोध पड़ता नहीं है उसको। चलिए, लेकिन वैदिक इस परंपरा को बात भी जहां गड़बड़ अच्छा, मैं सोच रहा था हाँ
स्पष्ट करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ के संबंध में दर्शन की बात करना, शैव दर्शन 21वीं शताब्दी में इसकी भी और दर्शन की जानना जरूरी है, मुझे लगता है पुरुषार्थ। क्या ऐसा नहीं लगता? कश्मीर शैव दर्शन की ओरिएंटेशन पुरुषार्थ की ओर की जानी चाहिए, क्योंकि अगर आदि जो है वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चतुष्टय है, आगे जो भविष्य में है वो भी पुरुषार्थ चतुष्टय की ओर ही अग्रसर होना चाहिए, कहीं उससे इस तरह से डेविएट होकर के वो बिल्कुल ही कुछ का कुछ अलग ही होता जा रहा है, अस्पष्टता में खो ना जाए। नहीं, उसमें उसमें ये थोड़ी वैसे तो अंतर्निहित उसका जो स्वर है वो उसके एक प्रकारांतर से, जब वो इस बात को आनंद की भी बात करते हैं तो जगदानंद की बात करते हैं, लोकानंद की बात करते हैं, तो जगत की उपेक्षा उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। जगत की या लोक की शैव शास्त्र जो है, इसलिए इस क्रम को स्वीकार करने का मतलब ये इवन आज की उसमें मनुष्य को ज्यादा प्रेरणा मिल सकती है इससे। अगर हम समझें कि ये निरा योग ऐसा नहीं है कि उसमें कश्मीरी शैव शास्त्र जो है वो सिर्फ आप योगी बना देगा आपको, और योग में आप बिल्कुल दूसरे जीवन की उपेक्षा करें, तो वो मेरा विचार में शैव चेतना के वो एक परे हटने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही उस तरह की निसंगता जो है वो व्यक्ति सापेक्ष हो जाएगा। लेकिन जितना लोक के प्रति सचेतन करता है, कलाओं के प्रति जितना ये सचेतन करने की दृष्टि है, वो चारों दिशाओं की ओर चतुर्मुखी जो दृष्टि है वो आज के आदमी के लिए बहुत सहायक हो सकती है, अगर उसको समझा जाए। ठीक है, ठीक से ठीक है। तो चलिए ठीक है पापा, आज हैं और एक बार फिर थोड़ा और स्पष्ट करें, वैदिक बोध और शैविक चेतना के संबंधों में एक बार फिर दोबारा काम करें। वैदिक बोध और शैविक और इसके मूल में पुरुषार्थ को ही पकड़े, तब ये दिशाएं कुछ निर्धारित होंगे, अन्यथा तो अपनी अपनी साधना के चक्कर में जो है। नहीं, उसमें ये खतरा तो हमेशा रहता है, ये उसमें ये खतरा हमेशा रहता है कि अध्यात्म साधनाओं के अंदर लोक उपेक्षित हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति जो है वो इतना आत्मलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर भी लोग प्राय ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये उन्मीलन समाधि और निमीलन समाधि के बाद उन्मीलन समाधि की जो बात है वो ये है कि योगस्थ होने के बाद, शिवत्व की प्राप्ति के बाद लोक की विषय में लोक के साथ उसका उतना ही संबंध रहता है जितना, क्योंकि ये लोक जो है शिव की ही विभूति है, शिव का ही ऐश्वर्य है, इसलिए उसकी उपेक्षा तो हो नहीं सकती। शैवेदम में लोक की उपेक्षा कैसे हो सकती? लोक की समस्याओं का समाधान करना शैवाचार्यों का मुख्य काम रहा है, इसलिए वो कलाओं के साथ उसका संबंध जुड़ा। चलो हो गया, ठीक है, कल करते हैं बाबा।